साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे वजन कम करने की दवा के बारे में। साथियों आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में फास्ट फूड की वजह से, कम सोने की वजह से क्या होता है कि बॉडी वेट बढ़ जाता है। कहने का मतलब है बहुत सी ऐसे भोजन है जिनको खाने से क्या होता है कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलाइट, चर्बी जम जाती है। तो बहुत ही अच्छे कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, ओरली स्टेट कैप्सूल जिसका ब्रांड लिपोकट भी आता है, 120 एमजी और 80 एमजी का भी आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओरली स्टेट कैप्सूल है क्या, कहने का मतलब है कितने का है, इसकी एमआरपी के बारे में बात करेंगे और इसके उपयोग क्या है और कितने दिन में वजन को घटा देगा, इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट और इंट्रैक्शन एमआरपी की बात करेंगे। तो साथियों कितने का है, कहने का मतलब है एमआरपी सबसे पहले जान लेते हैं। तो 120 एमजी का कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल की स्ट्रिप है और इसकी टैबलेट भी आती है, ये 689 रुपीज, कहने का मतलब है 689 रुपए के 10 कैप्सूल हैं और इसको खाने से सर्दियां जो है आपका वजन कम हो जाएगा। साथियों ये लाइपेस इनहिबिटर क्लास की दवा है, आगे हम अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताएंगे वर्क कैसे करती है। साथ ही साथ क्या होता है, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो एक तो एमआरपी आपको बता दिया है कि 689 लगभग 700 की दवा है, 120 एमजी 10 कैप्सूल हैं और ये क्या करता है, कैप्सूल एक मेडिसिन है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, जैसा कि अभी बताया मोटापा को करने की दवा है। और ये क्या करती है, इट हेल्प्स द बॉडी इन ब्लॉक कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, बॉडी के अंदर जाके बॉडी के अंदर जो पोर्स है उनको ब्लॉक कर देता है, जो खाना आप खाते हैं, भोजन खाते हैं जिससे फैट की मात्रा मिलती है वो फैट को जो है एब्जॉर्ब नहीं करने देता है। तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, स्टमक को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है और इस तरह से क्या होता है कि वो फैट जो है आपके मल में, स्टूल में जो है जाके निकल जाता है और उससे जो है आपके बॉडी का वजन कम हो जाता है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूजेस की अगर बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कि मोटापा अगर आपका बढ़ गया है तो कम करने की दवा है, कहने का मतलब है मोटापा को कम करने की दवा है। जैसे मान लीजिए कि 27 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आपका फैट है, जैसे मान लो 27 से ऊपर जैसे 30 पर केजी मीटर स्क्वायर आपका जो है फैट है तो उसको जो है कट करने का काम करता है। और जब बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, आर्टरीज है नैरो होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता है, डायबिटीज को नहीं होने देता है ये दवा और ये क्या होता है कि सीरियस प्रॉब्लम शरीर में नहीं होती है, तो ऐसे ये काम करता है अर्ली स्टेट। साथियों डाइट, लेकिन ये नहीं कि आपने कैप्सूल खा लिया, इसके साथ साथ आपको डाइट में भी सुधार करना पड़ेगा, जैसे कि फैट कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें नहीं खानी पाएंगी, साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। साथियों बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा फैट है तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, साथ ही साथ ये क्या करता है कि लाइफ को जो है इन्हेंस करता है, मूड को आपको इन्हेंस करता है और जो आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है कि आप मोटे मोटे हैं, बहुत मोटे लोग कहते हैं, वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। साथियों एक और क्वेश्चन है कि कितने दिन में वजन घटाएगा, तो लगभग 2 हफ्ते तक निरंतर इसको खाएंगे, सर्दियाँ हैं कि वेट कम होने लगेगा, 5 से 6 किलो तक कम कर देगा, लेकिन ज़्यादा कम करने के लिए 5 से 6 महीने खाना है, 2 वीक खाएंगे तो 4 से 5 किलो तो वजन कम ही कर देगा और 6 महीना लगातार खाएंगे तो बॉडी का वेट आपका जो है बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। साथियों कैसे और कितना डोज इसका लेना चाहिए, साथियों अर्ली स्टेट कैप्सूल आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, कहने का मतलब है आफ्टर मील एंड बिफोर मील 80 एमजी का कैप्सूल या लें या 120 एमजी का कैप्सूल सुबह शाम लेना है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से जो है शरीर में हल्का फुल्का पेन होने लगता है, डायरिया के चांस होते हैं और जो स्टूल है आपका वो सॉफ्ट होने लगता है और स्टूल साफ होगा मतलब सॉफ्ट मतलब नरम होने लगता है और स्टूल में जो है फैट की मात्रा जाने लगती है, तो उससे घबराएं ना। साथ ही साथ बाउल मूवमेंट को जो है ये स्पीड ला देता है, मूवमेंट को बढ़ा देता है और उससे क्या होता है कि जो भोजन में
पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेता है, जो फैट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। उसी तरह से हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो अर्ली स्टेट जो है बॉडी में वर्क कैसे करता है, तो ये क्या करता है कि स्टमक के अंदर जो है क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है पोर्स को, उससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का नहीं होता है और उससे क्या होता है कि आपको जो है धीरे धीरे वेट कम हो जाता है और ये भोजन से फैट जो मिलती है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। साथियों डोज के बारे में भी बात कर लिया, इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट या केमिस्ट से अगर ये दवा लेते हैं तो ध्यान रखें एक या दो दवाइयों से इंट्रैक्शन है। जैसे एक कार्बोज अगर खा रहे हैं तो उसके साथ नहीं खाना है और आपके शरीर में कहीं हड्डी डैमेज है या फिर दर्द की वजह से कैल्शियम खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम स्पेशली अल्फा कैल्सिडॉल अगर खा रहे हैं तो उसके साथ नहीं खाना है। जी हाँ दोस्तों, एक कार्बोज और अल्फा कैल्सिडॉल के साथ अर्ली स्टेट को नहीं खाना है। साथियों तो इसके बारे में डिस्कस किया वजन कम करने की दवा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना प्यार दिखाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।